हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य अकेडमी बैढ़न। जैसा कि हम सभी हमारे एमपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया था उसका सॉल्यूशन वीडियो हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। आई होप आपने इससे पहले के वीडियोस देखे हो तो आपको पता होगा कि आज हम प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन में ही सेकेंड पेपर का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 89 तक के प्रश्नों को हल किया था, आज हम 90 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, जो बहुत लंबा भी नहीं होगा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप बिना स्किप किए ज़रूर देखें। और बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप पेपर को अपने हाथ में लेकर बैठें, ये हम हर वीडियो में ही आपको बोलते हैं, फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि पेपर जब हमारे पास सामने होता है तो उसे सॉल्यूशन करने का, उसका हल निकालने का हमें कुछ अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 90 है, कोई 14 संख्याओं का औसत 75 है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि संख्या और औसत का गुणा करते हैं तो कुल आता है, तो यहां भी हम कर लेते हैं 14 गुणे 75, गुणा किया हमने तो आया हमारा 1050। और 14 में से पहली 6 संख्याओं का औसत 68, तो 6 गुणे 68 किया हमने, और अगली 6 संख्याओं का औसत 79 बताया जा रहा है, तो ये किया फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, ये 14 संख्याओं का है, इन दोनों का मिलाकर हमारा 12 संख्याओं का आएगा। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमें प्रश्न में समझना है मुख्य रूप से वो हमारा यही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ गुणा करेंगे हम, गुणा करने पे हमारा आएगा 408, और यहाँ गुणा करेंगे तो 474। अब फ्रेंड्स, इन दोनों को जोड़ लेंगे तब हम 12 संख्याओं का पता चलेगा, तो यहाँ जोड़ लेते हैं, 882 आया। तो फ्रेंड्स, जो 882 है ये 12 संख्याओं का है, और प्रश्न में कहा गया है कि शेष संख्याओं का औसत बताना है, तो शेष के लिए हम पूरे में से 12 वाला घटाएंगे, तो 1050 में से हमने 882 माइनस किया तो हमारा आया 168। और फ्रेंड्स, 14 में से 12 संख्या घटी मतलब 2 का बचा, तो बटे 2 करेंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8 मतलब 84। तो इस तरह प्रश्न क्रमांक 90 का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी। आगे आते हैं हमारे अगले प्रश्न में। एक साइकिल 24 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो फ्रेंड्स, चाल बराबर हम सभी जानते हैं कि दूरी बटे समय होता है, तो यहां दूरी है 30 मीटर और समय है 24 सेकंड। तो फ्रेंड्स, जो चाल आएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड में आएगा, और प्रश्न में बोला गया है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो फ्रेंड्स मीटर प्रति सेकंड को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा किया जाता है, तो यहाँ भी हम यही करेंगे, 30/24 गुणे 18/5, कट करेंगे यहाँ से, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 5 से 5 कटा, 2 दूना 4 और 2 नवा 18, तो 9/2 भाग किया हमने तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है हमें कि जब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा करते हैं, लेकिन जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 का गुणा करते हैं। और ये कैसे आता है, ये भी बहुत सरल ही है, क्योंकि मीटर को अगर बदलना है तो बटे 1000 करते हैं, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। अगर सेकंड को बदलना है तो सेकंड के लिए 3600 सेकंड बराबर 1 घंटा होता है, तो ये हुआ, इसे ही हम अगर हल करते हैं यहाँ तो ये कट गया, 2 पंचे 10 और 18, तो इस तरह से 18/5 इसके लिए आया। और किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड पे जाना है तो 5/18 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे आते हैं हमारे अगले प्रश्न में। एक रस्सी जिसे एक बकरी बंधी हुई है 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दी गई है। एक बकरी बंधी है फ्रेंड्स रस्सी से, जिसका लंबाई है 12 मीटर। तो फ्रेंड्स, जो रस्सी बंधी है यहां से ये गोल गोल घास खाएगी, अर्थात एक वृत्ताकार क्षेत्र का घास खाएगी,
और अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि इस रस्सी को बढ़ाकर 23 मीटर कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब ये इस एरिया तक के घास को खाएगी, तो यही बताना है कि कितना ज्यादा घास को खाएगी। तो हमें फ्रेंड्स जो ये क्षेत्रफल है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहां हमें दो वृत्त दिखाई दे रहा है, अगर हम इसमें से इस छोटे वाले को ऐसे काट के निकाल दे तो सिर्फ ये एरिया बचेगा। तो यही हमें करना है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को हमें घटाना है। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हम सभी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब यही त्रिज्या हुआ, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या है 23, तो 23 का स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या है 12, तो 12 का स्क्वायर। पाई का मान अभी हम यहाँ कॉमन रख लेते हैं पाई को, 23 का स्क्वायर हुआ 529 माइनस 12 का स्क्वायर हुआ 144। पाई का मान अब हम रख देंगे 22/7 गुणे घटाने पे हमारा आया 5, 8, 3, 7 × 7 = 35, 7 × 35। फ्रेंड्स अब हम 22 × 55 का गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे हमारा जो सही उत्तर आएगा वो है 1210 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ जो मापन है त्रिज्या की जो लंबाई है वो मीटर में है, तो यहाँ मीटर। और हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल को वर्ग में हम डिनोट करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे आते हैं हमारे अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 93। फ्रेंड्स यहाँ बोर्ड मास वाले चैप्टर से संबंधित, सॉरी बोर्ड मास कोई चैप्टर नहीं है, उस चैप्टर से प्रश्न है जिसमें बोर्ड मास हमारी सहायता करता है। यहाँ है 180 का 17 सही 2/3 प्लस 480 का 1/4 बराबर है, तो इसके बराबर में क्या होगा ये हमें बताना है। तो चलिए हम हल करते हैं। हमारा है प्रश्न क्रमांक 93, 180 का की जगह गुणा करते हैं हम, 17 सही 2/3 को मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलेंगे तो 53/3 प्लस 480 का की जगह गुणा 1/4। तो फ्रेंड्स हम गुणा वाले को पहले हल करेंगे, क्यों ये हम सभी जानते हैं, 3 × 3, 3 × 6 = 18, 0, 4 × 4, 4 × 4 = 8, 0। 60 में 53 का गुणा किया हमने तो 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30 और 31 प्लस 120 बराबर आया 3300। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3300 हमारा, जो कि ऑप्शन डी में है। आगे आते हैं हमारे अगले प्रश्न में, दो संख्याओं का योग 528 है तथा उनका महत्तम समापवर्त 11 है, दो संख्याओं की ऐसी कितनी जोड़ी होंगी ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स महत्तम समापवर्त का मतलब होता है कि दो संख्याओं में 11 दोनों में ही गुणात्मक रूप में होगा। तो हम यहां देख लेते हैं 11x + 11y, हमने x और y दो संख्या मानी है और दोनों में महत्तम 11 है अर्थात 11 गुणात्मक रूप में है, तो हमने यहां ले लिया और योग हो रहा है 528। अब हम थोड़ा हल कर लेते हैं, 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 528, x प्लस वाई 11 गुणा में है दूसरी तरफ आएगा तो बटे में, भाग करते हैं तो 11 × 4 = 44, 88। तो x प्लस वाई बराबर 48। फ्रेंड्स अब आगे कोई निर्देश नहीं दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। अगर कोई और निर्देश देता तो दो संख्याएं पूछता, हम दो संख्याएं बताते, लेकिन इसमें संभावना पूछ रहा है कि कितने ऐसी संभावनाएं हैं ऐसी संख्याओं का। तो यहाँ फ्रेंड्स जोड़ने पे 48 आना चाहिए और 11 महत्तम समापवर्ती था अर्थात सह अभाज्य संख्याएं होंगी, तो हमें ऐसी जोड़ियों को देखना है। फ्रेंड्स हमारी जो ऐसी जोड़ियां हैं वो इस तरह से हैं, एक तो एक 47 जोड़ेंगे तो 48 आएगा और दोनों सह अभाज्य हैं, आगे 5 और 43, इसी तरह 7, 41, आगे भी हम इसी तरह जोड़ी बनाते जाएंगे
ग्यारह सैतीस, यहाँ ये, फिर सत्रह इकतीस, उन्नीस उनतीस, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी इतनी जोड़ियां बनी। ये आप ऑप्शन में देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप ये टिक करें। तो इस तरह हम पाएंगे कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा जिस पे हमें टिक करना है वो है हमारा ऑप्शन सी। तो आप टिक कर लें। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ अगले प्रश्न में हम आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 95। आप एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें, यहाँ ये प्रतिशत वाला प्रश्न है और अगर हम इसे प्रश्न को सही से समझेंगे तो ये प्रश्न हमें सरल लगने लगेगा और हम बहुत जल्दी भी इसको हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 95, एक्स वाई से 10% अधिक है, एक्स है वाई है कौन कितना है नहीं पता। यहां बोला जा रहा है एक्स वाई से 10% अधिक है, अर्थात वाई से तुलना हो रही है फ्रेंड्स। तो वाई को हम 100 मान लेते हैं तो एक्स हो जाएगा 110। अब है तो एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो एक्स से वाई कितना प्रतिशत कम है। अब जो हमें हल करना है वो एक्स को तुलना मान के करना है, तो 110 बराबर इसे 100% मानेंगे क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से है। y इससे कितना कम हो रहा है फ्रेंड्स 10, तो 10 बराबर हम करेंगे क्वेश्चन मार्क, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, अब तिरछा गुणा कर लेंगे तो क्वेश्चन मार्क गुणे 11 बराबर 10 गुणे 10। क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, इसके आगे यहाँ आ जाता है 10 दाम 100 हो जाएगा ये, गुणे 11 को दूसरी तरफ लाएंगे तो बटे 11 हो गया। और फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए हमारे मिश्र भिन्न में, तो हम भी यहाँ भाग करेंगे तो 11 9 99, 9 सही 1/11, और ये है हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये परसेंट है। तो इस तरह हमने हल किया। अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर एक बार फिर से देख लें। हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न में, 1.2 सेंटीमीटर व्यास एवं 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्के को गलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचा एवं 4.5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलन बनाया जा सकता है, ऐसे कितने सिक्कों को गलाया जाएगा कि ये बेलन बनाया जा सके, ये हमें बताना है। तो यहां हम पहले बेलन देख लेते हैं। बेलन की त्रिज्या, फ्रेंड्स व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, तो बटे दो हम करेंगे, हमारा 2.25 सेंटीमीटर आया। ऊंचाई दी गई है इसकी 10 सेंटीमीटर। अब सिक्के की बात करें तो सिक्के में भी व्यास दिया गया है, तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी व्यास का आधा मतलब 1.2 का आधा, तो 0.6 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स मोटाई दी गई है अर्थात सिक्के की ऊंचाई होगी कि वो कितना ऊंचा है, और त्रिज्या और ऊंचाई दोनों है, तो अर्थात गोल सतह एक बन रहा है, एक नीचे की गोल सतह एक ऊपर की गोल सतह, और इतनी छोटी सी मोटाई है इसकी तो ये एक बेलन ही बन जाएगा, इसे भी हम ऊंचाई मानेंगे, ये है 0.2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स बेलन बनाना है हमें, तो इस बेलन को बनाने के लिए कितने सिक्के गलाने पड़ेंगे ये प्रश्न है, अर्थात सिक्के का आयतन बेलन के आयतन से कम है, तो हम यहाँ संख्या निकालनी है। तो बेलन के आयतन में सिक्के वाला आयतन घटाएंगे, और दोनों ही बेलन के आकार में है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर एच, तो बेलन वाला करते हैं पाई गुड़े आर है हमारा 2.25, स्क्वायर का मतलब दो बार गुणा, तो हमने दो बार गुणा किया, ऊंचाई है 10 बटे फिर पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ आर है 0.6, स्क्वायर का मतलब दो बार गुणा गुड़े
ऊंचाई है 0.2। फ्रेंड्स यहाँ पाई से पाई कट गया। अब हम एक बार दशमलव हटाने का प्रोसेस कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 225 गुणे 225 गुणे 10, नीचे 6 गुणे 6 गुणे 2। फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि जब हम ऊपर की संख्याओं का दशमलव हटाते हैं तो नीचे जीरो बढ़ाते हैं, तो नीचे बढ़ाएंगे हम जीरो, दशमलव के बाद दो अंक, दशमलव के बाद दो अंक अर्थात चार अंक, तो हमें चार जीरो बढ़ाना है। अब नीचे की संख्याओं का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे, तो यहां करते हैं दशमलव के बाद एक 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 अर्थात तीन जीरो, तो तीन जीरो से ये तीन जीरो कटा, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। अब ये संख्या है, हम जब भाग करेंगे तो भाग करने पर हमारा सही उत्तर आएगा फ्रेंड्स वो है 703। तो भाग करने पर 703 आएगा, अर्थात ऐसे 703 सिक्कों को जब हम गलाएंगे तो हमारा सही जो ये बेलन है वो बेलन तैयार होगा। तो ये रहा हमारा ये वाला प्रश्न, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस हमें ध्यान से करने की जरूरत है। आगे आते हैं फ्रेंड्स हम हमारे अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है 97। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। फ्रेंड्स 60 लीटर दूध है कुल जो मिश्रण है, ये अनुपात में 2:1 है अर्थात कुल में है 3। तो फ्रेंड्स 2:1 में है दूध, 1:1 में है पानी, तो हम 2 बराबर दूध निकालेंगे, 1 बराबर पानी निकालेंगे। यहां से कट कर लेते हैं, 3 एकम 3 और 20 3 60, तो 20 2 40, 20 एकम 20। तो फ्रेंड्स 40 लीटर दूध है इसमें और 20 लीटर पानी है। अब प्रश्न है कितने लीटर पानी और मिला दें कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। तो दूध को तो सीमित रखना है, 40 बराबर 40 को एक भाग करना है और पानी दो भाग चाहिए, तो दो भाग बराबर क्वेश्चन मार्क करेंगे हम, तो 40 2 80। तो फ्रेंड्स 20 लीटर पानी मिश्रण में पहले से है, 80 लीटर पानी हो जाएगा तो 1:2 बन जाएगा, तो 20 पहले से है, 60 हम और जोड़ देंगे तो 20 + 60 = 80 हो जाएगा। तो हम 60 लीटर पानी और डालेंगे जो कि फ्रेंड्स हमारे डी ऑप्शन में है, और यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 80 लिखा हुआ है, आप उसको 60 कर लें। आगे आते हैं हमारे अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 98। 16 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से आपको पता चलता होगा कि ये मेन वर्क टाइम का प्रश्न है। 16 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, एक सभी ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 4 दिन बाद, अर्थात फ्रेंड्स 4 दिन तक 16 लोगों ने ही काम किया, तो 16 लोगों ने 4 दिन में कितना कार्य किया यह हम निकालेंगे। तो 16 से 16 कट गया, 2 2 4 2 9 18। यहां हमें पता है कि हम इस तरह से गुणा करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क गुणे 9 बराबर 1 गुणे 2, क्वेश्चन मार्क बराबर 2/9। तो फ्रेंड्स 4 दिन में 2/9 भाग काम हो गया है, शेष कितना बचा, 9 में से 2 गया 7, तो 7/9 भाग काम शेष बचा है। अब फिर से एक बार लगाएंगे मेन वर्क टाइम, 16 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। फ्रेंड्स 4 दिन बाद 12 व्यक्ति और आ गए थे, तो अब कितने हो गए, 28 व्यक्ति, काम बचा है 7/9 भाग, कितने दिन में करेंगे। तो यहां भी यही हम तिरछा गुणा इस तरह से करेंगे, तो करते हैं 16 × 7/9 × 18, बीच में बराबर 28 × 1 क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स जो कटता है काट सकते हैं, 9 × 1 9 9 2 18, फिर 2 × 2 14 2 28 बराबर के दोनों तरफ, 7 × 7 7 2 14, 2 × 2 2 8 16, तो क्वेश्चन मार्क बराबर आया 8 दिन। ये काटने के लिए फ्रेंड्स आप अपने से भी काट सकते हैं अगर आपको इस तरह के संख्याओं को काटने आता ही है।
अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर फिर भी कुछ डाउट रहे तो आप वीडियो को पीछे ले जाकर एक बार फिर से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 8 दिन, जो कि ऑप्शन ए में है। अगर 12 व्यक्ति और जुड़ गए हैं तो अब जो बचा काम है उसको 8 दिन में वो लोग पूरा कर लेंगे। अब आते हैं हम हमारे अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 99, यहां हम इसे रफ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी प्रश्न में कोई नई चीज मिलती है तो आप उसे नोट डाउन जरूर किया करें, ताकि एक आध बार आप रिवाइज कर लें तो उस टाइप का अगर फिर से प्रश्न आता है कभी तो आपसे गलत ना हो। प्रश्न क्रमांक 98 आप एक बार ध्यान से पढ़ लें थोड़ा। यहां है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, 5/8 की जगह 3/8 होगा। 3/8 भाग मिला, यदि दोनों के भागों में अंतर 36 हो तो कुल धन था, हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं कि जो धन था वो एक भाग था, क्योंकि एक ही हिस्सा था। पहले व्यक्ति को 3/8 भाग मिला तो शेष कितना बचा, शेष बच गया 5/8। दूसरे व्यक्ति को शेष का 3/8 मिला, मतलब 5/8 का 3/8 भाग, तो 5 × 15 / 8 = 64। दूसरे व्यक्ति को 15/64 भाग मिला। फ्रेंड्स, अब यहां जो प्रश्न है वो ये है कि यदि दोनों में अंतर 36 है, अर्थात पहले में दूसरे को घटाएं हम तो घटाने पर 36 आ रहा है, ऐसा प्रश्न ने कहा है। तो अब हम घटाते हैं, हमारा एलसीएम 64 आएगा, 8 × 64, 8 भाग फल आया तो 8 × 3 = 24 माइनस 64 × 64, 15 × 1 = 15 = 36। घटाया हमने तो 9/64 = 36, 9 × 1 = 9, 9 = 36। तो फ्रेंड्स, 1 = क्वेश्चन मार्क हम करते हैं तो 1 = आ जाएगा 64 चौको, अर्थात 64 × 4 = 256। तो फ्रेंड्स, जो पूरा धन था एक भाग था तो 1 भाग = आया 256, जो कि हमारे ऑप्शन डी में है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हुआ, प्रश्न क्रमांक 99 का। अब है फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न और इस सॉल्यूशन पेपर का भी अंतिम प्रश्न। यहां है फ्रेंड्स प्रश्न, आप एक बार इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ें। एक नाव धारा के साथ तथा धारा के विपरीत 16 किलोमीटर 3 घंटे में तय कर जाती है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल क्या होगी, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, यहां हम प्रश्न क्रमांक 100 करते हैं। ये जो पूरी दूरी बताया जा रहा है वो है 16 किलोमीटर, और धारा के साथ जाने में और फिर धारा के विपरीत आने में 3 घंटे का समय ले रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो समय बराबर होता है, अगर हम चाल के चैप्टर में देखें तो दूरी बटे चाल। तो दूरी है हमारी दोनों तरफ से 16 किलोमीटर, धारा के साथ जा रहा है तो x प्लस दूसरी चाल धारा की है, धारा की चाल दी गई है 4, तो हमने यहां 4 लिख लिया, प्लस 16, धारा के विपरीत तो माइनस, धारा की चाल 4 ही है तो यहां 4, और दोनों में कुल मिलाकर 3 घंटे का समय लग रहा है तो बराबर 3। हमने समय वाला सूत्र की तरह ही किया, दूरी बटे चाल, दोनों को मिलाकर 3 घंटे का समय लग रहा है। अब हम एलसीएम लेंगे, पहले यही गुणा कर लेते, 16x - 16 × 64 प्लस 16x प्लस 16 × 64। एलसीएम लिया हमने तो यहाँ x प्लस 4 और x - 4। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सूत्र a² - b² का हो रहा है, a + b और a - b, तो हम यहाँ इसे कर लेंगे, बराबर 3 आया। -64 + 64 तो ये घट गया, 16 16 32x हो गया बटे x²
माइनस चार का स्क्वायर बराबर तीन, 32x बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ हम इसको नहीं लिखते, तीन के बटे में कुछ नहीं तो एक, फिर से तिरछा गुणा होगा, 32x बराबर 3x स्क्वायर माइनस चार का स्क्वायर हुआ फ्रेंड्स 16, 16 गुणे तीन तो 16 या 48। अब हम सभी ये एक समीकरण बन रहा है, वर्ग समीकरण, सबको एक तरफ कर लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 32x इधर प्लस में दूसरी तरफ भेजा हमने तो माइनस में हो गया, यहाँ माइनस 48 है ही, दूसरी तरफ जीरो। तो इस तरह हमारा ये एक समीकरण बना बराबर जीरो। अब हमें फैक्टर निकालना है, तो 3x स्क्वायर प्लस माइनस 36x प्लस 4x माइनस 48 बराबर जीरो। 3x कॉमन लेंगे हम तो यहाँ x बचा, माइनस 12 × 36 = 12 प्लस 4, तो यहाँ x माइनस 12 बचा बराबर जीरो। तो फ्रेंड्स दो x माइनस 12 बराबर जीरो और 3x प्लस 4 बराबर जीरो, तो x बराबर 12 और यहाँ x बराबर आया माइनस 4/3। तो फ्रेंड्स क्योंकि चाल माइनस में नहीं हो सकती तो ये नहीं होगा, इस तरह जो चाल है नाव की वो हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये है हमारा ऑप्शन डी, आप टिक कर लें। और फ्रेंड्स आपको हमारा ये सॉल्यूशन वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। आगे आपको 16 तारीख को या निश्चित टाइम पे जो कि आपके पास सारणी है उसके अनुसार आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, तो आप टाइम पर वीडियोस देखें और पूरी तरह से देखें, उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।